आज रात 3 बजे रात से करीब टपचपुत्रा चिर्रा कारवान जियागुड़ा और तकरीबन मुस्तकपुरे के इलाके में कोई किस्म का केमिकल की गैस का लीकेज हुआ है। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से हुआ है और तकरीबन 2-1.5 घंटे से करीब लोग पूरे परेशान हैं, पूरे मोहल्ले वाले उठे हुए हैं, पूरे बस्तियाँ उठे हुए हैं, पूरे लोग रोड पे हैं, काफ़ी कुछ परेशानी आ रही है। मैं जैसे ही मालूम पड़ा है 15-20 मिनट के बाद हम लोग DRF की टीम को और डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो हैं उनको भी फ़ोन करके संपर्क कर दिया और मौके पर बुलाए हैं उन लोगों को, वो लोग भी फिर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है ये लीकेज है कहाँ से। अब हम पुलिस की भी पूरा हमला जो है ना इसकी जानकारी के लिए लगा हुआ है कि लीकेज हो कहाँ से रहा है। अब एक हमारे को सोर्स का पता चला है कि कमेले के पास कुछ डंपिंग ग्राउंड है, उसमें जो है ना वहाँ से कुछ लीकेज आया है उसके मालूम हुआ है, मगर फिलहाल तो पता नहीं चल रहा। 1.5 घंटे से लोग बैठ नहीं सक रहे हैं, उस किस्म की स्मेल है पूरी गैस की, समझ में नहीं आ रहा कोई पॉइजनस गैस है या नॉर्मल गैस है, कोई गैस का लीकेज है, मगर केमिकल गैस इस वक्त लीक हुआ हुआ है इस इलाकों में। और आप करीब 1/2 घंटे से तो आँख भी जलना शुरू हो गई है सबकी, तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं, लोग घर पे जा रहे हैं नहीं, प्रॉब्लम हो रहा, बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो डिपार्टमेंटों से जो भी इसके रिलेटिव कंसल्टेंट डिपार्टमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस सोर्स का पता लगाएं और इसको बंद करने की कोशिश करें। ओके, बच्चे डर के एकदम हाइपर से उठी बच्ची, हम क्या हुआ कि बोल के लेके फिर दरखान तो है। कहाँ पर है आपका घर? इसके पास ही। तो क्या हुआ? बच्चे एकदम डर के उठ के रात में। कहीं के वास्ते उठे? सांस उठ गए सर का, एकदम आवाज़ नहीं आ रही थी बच्ची को। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलीम है। हेलो। ठीक, में पूरी डिवीजन में क्या है, सो पूरा बहुत गैस का लीकेज है, जैसा कि भाई यूरिया जैसा रहता वैसा स्मेल ही। और क्या है मालूम है, पूरा आसिफ नगर टप्पा चबूतरा छिर्रा रिंग रोड मोगलका नाला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टोली मस्जिद के पास स्मेल बहुत है, और अपने पुराना पुल कुलसुमपुरा और अपने कमलेगी रोड पे और अपने पूरे तकरीबन जितनी आवाम है फिलहाल बहुत परेशान है, जो कि तकरीबन 1.5-2 घंटे से स्मेल है ये, जो कि बच्चे छोटे मासूम और एजेंट बहुत प्रॉब्लम में है ये, जैसा कि छिर्रे में अभी वॉमिटिंग हो गए बल्कि ऐसा इन्फॉर्मेशन है, और तकरीबन लोग परेशान है। अब एरिया वाइज एरिया PS से गए सो रुजू हुए, एरिया PS के गए ACP साहब भी आए हैं, राउंड पे गए हुए हैं कुलसुमपुरा टप्पा चबूतरे के अलावा, और अपने जाकिर साहब कॉरपोरेटर साहब भी आए हैं आगे, उन्होंने भी बोल के गए हैं, उन्होंने भी देखने लगाने के लिए पब्लिक को बोले हुए हैं, जैसा कि पूरे देखो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। ये कब हुआ ये इंसिडेंट? ये तकरीबन 2 घंटे से चल रहा है। कंप्लेंट किए आप? जी कंप्लेंट करे आप? कंप्लेन तो पूरी पब्लिक मिल के करीबी है जी, क्योंकि पहले कॉर्पोरेटर साहब को इन्फॉर्म करें, उन्होंने पहले आए, पूरी पब्लिक आई है, पूरे एरिया PS टप्पा चबूतरे को भी इन्फॉर्म करे हुए हैं, पूरे क्या है मालूम है मैडम भी क्या है सो उन्होंने भी डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, उन्होंने भी सर्च करके बोलते बोल के बोले। ओके भाई, ठीक। मेरा नाम आसिफ है। टप्पा चबूतरे में अजीबोगरीब बारिश शुरू हो गई, यहाँ पर पूरी आवाम परेशान है, पूरा टप्पा चबूतरा पूरा भरा हुआ है। ये बो कैसी है? अजीब केमिकल की बो आ रही है, टहरान जले हुए से केमिकल की बो आ रही है। कब से आ रही है? 3 बजे से 2:30 बजे से आ रही है। ये टप्पा चबूतरे में किधर हुआ? पूरा टप्पा चबूतरा कारवान टोली मस्जिद पूरा भरी हुई है, पूरा बो से पूरा बो है, हर हर जगह बो है, परेशान है बो से, आए जाने बहुत बहुत ही बहुत बो है, अभी भी चालू थे ना भाई, वो अभी भी आ रही है। अब जरा कम हुई थोड़ी सी, ACP साहब आए हैं, रोड पे गए हैं, बोल के बता रहे हैं।